सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटे के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो असम गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है और ये जेल वार्डन की पोस्ट है। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ, सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, आगे क्या क्या स्टेप्स है। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान आएगा उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो सारी डिटेल वैकेंसी के बारे में जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पे सब कुछ समझा के बताते हैं। दोस्तों असम स्टेट पुलिस की तरफ से जारी की जाने वाली यह वैकेंसी जेल वार्डन की पोस्ट है। दोस्तों मैं बता दूं कि फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप यहां पे आइएगा, यहीं से वैकेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, यहीं से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। नीचे अप्लाई करने के फॉर्म की सारी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। और दोस्तों sarkarijobfind.com वेबसाइट है, इस पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को जरूर से देखा कीजिए, sarkarijobfind.com को इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करते हैं सीधे वैकेंसी के बारे में। तो ये जो फॉर्म जो इसके डेट्स की बात करें तो फॉर्म जो भरा जा रहा है 6 अप्रैल से, इसका नोटिफिकेशन 6 अप्रैल से हुआ था और इसकी एप्लीकेशन जो हुआ है स्टार्ट 8 अप्रैल से हुआ है। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसकी रखी गई है 8 मई। तो 8 अप्रैल से 8 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, कोई किसी भी कैटेगरी का हो। तो यहाँ पे जेल वार्डन मेल और जेल वार्डन फीमेल के लिए जो अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी एससी सभी के लिए पोस्ट है। यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जेल वार्डन मेल के लिए आपको 10वीं पास के साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट पास 10th हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट एंड नो बाइसाइकिलिंग। तो आपको बाइसाइकिलिंग मतलब साइकिल चलाने आना चाहिए। जेल वार्डन फीमेल के लिए यहाँ पे आपको 8वीं पास मांगा गया है, कैंडिडेट मस्ट पास 8th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट्स आर इट्स इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 8वीं पास मांगा गया है, मेल के लिए 10 पास और फीमेल के लिए 8वीं पास। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 38 साल उम्र आई गई है। एक एज जो काउंट होगी 1/1/2018 को काउंट होगी। यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं जिसमें हाइट आपको रखी गई है जनरल ओबीसी एससी के लिए 162.5 सेंटीमीटर और मेल एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 144.5 सेंटीमीटर, फीमेल एसटी के लिए 142 सेंटीमीटर। चेस्ट जो रखा गया है 81 सेंटीमीटर रखा गया है जनरल ओबीसी एससी के लिए, मेल एसटी के लिए 81 सेंटीमीटर रखा गया है, फीमेल के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। रनिंग जो है रखी गई है मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 1.6 किलोमीटर के नियम 5 मिनट में पूरी करनी है। 5 मिनट में कंप्लीट करने पे आपको 15 मार्क्स फुल के फूक दिए जाएंगे और वही फीमेल के लिए आपको 1.2 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी है और आपको फुल के फुल मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑफिशियल जो है अप्लाई करने की लिंक्स खुल जाएंगी जो वहाँ पे असम गवर्नमेंट्स की तरफ से, यहाँ पे हमको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया गया है और यहाँ पे ऑफिशियल जो है सिलेबस को आप देख सकते हैं इनका सिलेबस क्या है और यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डाल के अपना ओटीपी जनरेट करके आगे के प्रोसेस करना होगा और यहाँ पे सारी डिटेल दी गई हैं। कुछ हेल्पलाइन यहाँ पे दी गई हैं उनकी तरफ से, असम गवर्नमेंट्स की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है और फोन नंबर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यदि कोई आपको नहीं समझाता है तो यहाँ पे आप फोन करके इनसे बात भी कर सकते हैं और यदि आपको वीडियो की वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।